नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। थाना मुनक के क्षेत्र में पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया काबू। संगरूर में बॉक्सर अमनदीप सिंह पर सुबह ग्राउंड जाते समय हुआ हमला, गंभीर अवस्था में अस्पताल में करवाया भर्ती। जालंधर देहात की क्राइम ब्रांच की टीम ने वाहन चोरी करने वाले एक आरोपी को किया काबू, 6 मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। थाना मुनक के क्षेत्र में पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला करने वाले दो व्यक्तियों को 2 घंटों के अंदर ही पुलिस ने काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी संगरूर सुरेंद्र लांबा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजीव और जसविंदर सिंह निवासी बंगा के तौर पर हुई है। आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, देसी 32 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 2 चले हुए कारतूस के खोल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। इनमें से एक आरोपी हैप्पी सिंह की गिरफ्तारी अभी बाकी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। कल एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ सीगा पुलिस स्टेशन मोनक दे विच, जिदे विच एक सरपंच बग्गा पिंड दा कृष्ण कुमार हैगा, उन्हें रिपोर्ट कराया सीगा कि एक बार दा नंबर जिन्हों की दुबई का नंबर असं आइडेंटिफाई किया, उदे तो उन्हों कॉल आई हैगी ते वो बंदा उन्हों थ्रैट कर रहा हैगा ते जान तो मारन की धमकी दे रहा हैगा। एट द सेम टाइम उन्हों कह रहा हैगा कि उन्हें अपने सरपंची वाले काफ़ी पैसे बनाए हैगे ते उन्हें उन्हों का हिसाब उत्तों लेना, ते जेकर वो उदी गल नहीं मनता हैगा ते फिर वो उदा जानी माली नुकसान करेगा। ते पुलिस ने जड़ा हैगा उत्ते इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जेडे नंबर सिगे वो साइबर सैल नू भेजे गए, उन्होंने जड़ी हैगी वो डिटेल्स वगैरह कटवाई गई। इन बिटवीन जड़ा हैगा रात में 10 बजे जड़ा फरदर इंसीडेंट होंदा हैगा, जिदे विच मुदई जड़ा कृष्ण कुमार हैगा वो अपने जो घर के नेड़े होंदा हैगा ते उहदे घर के गेट ते फायर किया जाता हैगा 3 मोटरसाइकिल सवार बंदा वालों, ते 2 फायर किए जाते उन्होंने वालों। इमीडिएटली जड़ा हैगा कृष्ण कुमार वालों पुलिस पार्टी नू इनफॉर्म किया जाता हैगा, ते पुलिस पार्टी साड़ी जिहड़ी हैगी ऑलरेडी क्योंकि उन्होंने टच सीगी ते मुस्तैद साड़ी पार्टियां SHO खनौरी दी, DSP मुनक ते SHO मुनक वो मुस्तैद सीगे। इन्होंने इमीडिएट रेस्पोंड करते हुए जिहड़ा एस्केप रूट सीगे वो कवर किए, एस्केप रूट कवर करने नाल जिहड़ा हैगा इन्होंने बड़ी बहादुरी दे नाल जिथे वो बंदे ट्रेस हुए क्योंकि उन्होंने कुछ हूलिया पता लग्या सीगा जिथे ट्रेस हुए उन्होंने उन्होंने बिल्कुल SHO खनौरी की टीम ने बहुत बहादुरी के नाल जड़ा हैगा उन्होंने कवर किया, कवर करके 2 बंदे मौके तो फड़न च कामयाब रहे। संगरूर में बॉक्सर अमनदीप सिंह पर गत सुबह ग्राउंड जाते समय हमला हुआ, जिस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु संगरूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए घायल अमनदीप सिंह ने बताया कि सुबह 6 बजे के करीब वह अपने घर से बनासर बाग में ग्राउंड पर जा रहा था। इस दौरान जब वह CL टावर के पास पहुंचा तो वहां एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें कुछ लोग सवार थे, जिसमें से कुछ लोग निकले जिन्होंने लोहे की रोड और हथौड़ों से उसकी टांगों पर हमला कर दिया। इसी दौरान लोग इकट्ठा हो गए और हमलावर भाग गए। उन्होंने कहा कि हमलावरों में से कुछ लोगों को वह जानता है, वहीं इस हमले के कारण अमनदीप गंभीर घायल हो गया और उसकी टांगों की हड्डियाँ टूट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि यह मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है। फिलहाल उन्होंने धारा 307 सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और मामले की गहराई से जांच भी की जा रही है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मैं डेली की तरह कल सवेरे 6:15 बजे ग्राउंड जा रहे थे नानकाने चौक तो, जब अपना CL टावर लगे उत्ते रस्ते च इन्होंने गड्डी लाई हुई थी अपनी SUV की चिट्टे कलर की, उहदे विच जिन्हां मैं जानदा गुरदित पुरी का भाई छोटा हरदित पुरी वो उत्थे बैठा सी ते मैनू मारन की प्लैनिंग वास्ते बैठे थी ये, ते जे मैं स्कूटी भजा के लंघदा तां इन्होंने मेरे बिच मारनी थी, मैं स्कूटी रोक ली, इन्होंने उत्तर दे सार नाल दी मेरे लत्तां ते लोहे की पाइप मारी हथौड़ा मारिया, मैं अपनी जान बचाने वास्ते भज्जिया ते फिर इन्होंने मेरे बाहां ते मारिया
ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਹਥੌੜਾ ਮੈਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ 4-5 ਜਾਣੇ ਸੀ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੁਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਬਾਕਸਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 102 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 307 323 341 506 ਅਤੇ 120 VIPC ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। जालंधर देहात की क्राइम ब्रांच की टीम ने वाहन चोरी करने वाले एक आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP देहात मनप्रीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि क्राइम ब्रांच के ASI परविंदर सिंह की टीम आदमपुर इलाके में शरारती अंसरों पर निगरानी रखने के लिए भेजी गई थी। इस दौरान वे गश्त के चलते खुर्दपुर नहर पुल पर मौजूद थे कि उन्हें सूचना मिली कि अनमोल कुमार उर्फ विशाल निवासी चोमो आदमपुर जो कि वाहन चोरी करने का आदि है, अगर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जाए तो इसे काबू किया जा सकता है। जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर उक्त आरोपी को काबू कर उसके पास से चोरीशुदा बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किया, जिसकी निशानदेही पर 5 और मोटरसाइकिल एक एक्टिवा भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश कर 1 दिन का रिमांड हासिल किया है, जिससे पूछताछ के दौरान और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। होशियारपुर के फगवाड़ा बाईपास के पास बसी दौलत खां में एक नकली पुलिस वाला नाका लगाकर खड़ा हुआ था कि अचानक वहां से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने उसे पहचान लिया और उसे असली पुलिस वाले के हवाले कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि वह दुकानों पर माल सप्लाई करने का काम करता है और वह जैसे ही गाँव बसी दौलत खां के पास पहुंचा तो उसे एक पुलिस वालों ने रुकने के लिए कहा, जो कि बिना वर्दी के वहां पर खड़ा था और उसे अपने वाहन के कागजात दिखाने के लिए कहा और उससे कहा कि तुम्हारे टेम्पो का चालान कटेगा, जिसके चलते उसे संदेह हुआ और उसने मौके पर अपने कुछ साथियों को बुलाया। जब मौके पर पहुंचे लोगों ने उससे पूछताछ की तो वह घबरा गया। जब उसकी आई कार्ड मांगा गया तो वह नकली पाया गया, जिसके चलते संबंधित थाने की पुलिस को तुरंत इस बात की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उक्त व्यक्ति को राउंडअप कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। मैं जी पिंडा च सप्लाई का काम करता जी, दुकाना ते माल दिना है ते मैं माल दे के आ रहा सी ते बसी दौलत खां दे एक मुंडा मोटरसाइकिल लैके मेरे मोहरे आ गया ते मैंने रोक लिया ते कहिंदा काका तेरा चलान होना है, मेरा डैडी ASI लगा है फलाना ठिकाना है। तो मैनू तो पता लग गया सी ये फ्रॉड बंदा है, क्योंकि ना वो वर्दी धारी सी ते सिंपल जिहा बंदा सी ते नशा किया फुल उन्हें ते उहदे कोल कार्ड निकलिया जी, एक पंजाब पुलिस उत्ते लिखिया सी, ना कोई फोटो सी ना कोई कुछ भी सी, ते बस वह से सानू पता लग गया वह फ्रॉड आ। इन्हें साडे पिछे एक भाई साहब कार वाले आ गए 2 जने, उन्हां दी गड्डी भी रोकी सी, उन्होंने उन्होंने पछाण लिया से, उन्होंने घेर लिया तो कहिंदे सी लै दे के सैटलमेंट कर लो जी, तो बंदे वो फ्रॉड से के। मुंडे दा की नाम सी लग्गा पता कुछ? नहीं जी नाम नहीं पता जी, वो डैडी उहदा कहिंदा सी साडा ASI लग्गा है, हुण सानू नहीं पता है। दिमाग च सट लगी है फलाना ठिकाना जो भी है। क्या नाम है? संत प्रकाश सिंह सरपंच जी अत्तवाल तो साबका। ठीक है जी, मैं ते आ रहा सीगा जी, मेरा इत्थे कंडा आ ते जदों ये बहस हुंदी सी तां मैं मेरे कंडे ते मैं इहनूं रोकिया, मैं कहा जी भाई की होया, ये कहंदे भाई इंस्पैक्टर साहब आ मुंडा भाई वह हटदा नहीं सानू तंग करदा। मैं कहा सर भाई दिखा दो कोई कार्ड कूड की चक्कर आ, कहंदा भी तुहानू नहीं पता असीं ना माइनिंग दे जिहड़े SHO लगे मेरे डैडी कि आह सारा एरिया साडा आ ते असीं तां मतलब जिहड़ा मर्जी चलान कर सकदे आ जो मर्जी आ, मेरे डैडी SHO लगे आ माइनिंग दे। मैं कहा पुत इदा नहीं, असीं कोई डोडे नहीं बेचते कुछ नहीं करते, माइनिंग का विभाग होर हुंदा, पर इदा धमकाइयां तां तुसीं आ तां लोकां ने डंप ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣ ਡੈਡੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਾਰਡ ਕੱਢ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਕਾਰਡ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ।
ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਸਰਪੰਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਰਾਣੇ ਤੋਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚੋ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਕੂਟਰੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਰੋਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰੁਕਾ ਬਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। अमृतसर के अजनाला रोड डीआर एनक्लेव निवासियों ने भू माफिया के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया तथा कॉलोनी की बाउंड्री वाल को जबरन गिराने पर आपत्ति जताई। इस संबंध में कॉलोनी निवासियों ने कहा कि दो दिन पहले भू माफिया ने आधुनिक शस्त्रों से लैस निजी असामाजिक तत्वों के साथ बलपूर्वक कॉलोनी का बाउंड्री वाल को गिरा दिया। उन्होंने कई स्थानीय निवासियों को धमकी दी कि उनके द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई के अंजाम अच्छे नहीं होंगे। उनके अनुसार पुड्डा द्वारा भी इस अतिक्रमण को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, इसलिए उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि तत्काल इस प्रकार के अतिक्रमण को रोका जाए और कॉलोनी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम अरुण गुप्ता है, मैं डीआर एनक्लेव का वासी हूं। इथे साढ़े इथे तीन चार दिन पहले कॉलोनी की कंध नूं अनवांछित लोग आ गए, कॉलोनी के कुछ लोगों नाल मिल के दीवार तोड़ के चले गए। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, FIR ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਡਾ ਵੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਰਸਤਾ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮਨੇ ਸੋਚਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਾ ਹਮ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਸੇ थैंक्स कर रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं कि वो तो हमारे लिए एक तरह के भगवान बन के आए। और मिस्टर हरिंदर जी जिन्होंने एकदम से हमारा इतना साथ दिया, भगवान की तरह वो यहाँ पे प्रकट हो गए और उन्होंने हम सब की, बच्चों बूढ़ों सब की रक्षा की। इस कॉलोनी में मोस्टली पढ़े लिखे रिटायर्ड लोग, कोई पुलिस से है, कोई फौज से है और सब बुजुर्ग है। और हुआ यही था कि थोड़े दिन पहले यहाँ पे बहुत लोग आए, गुंडागर्दी की, उन्होंने ये दीवार तोड़ दी, गन्स वगैरह लेके आए। हम लोग निकल रहे थे, हमने मूवी बनाने की कोशिश की तो उन्होंने बोल दिया अगर किसी ने मूवी बनाई तो उसको गोली मार दी जाएगी। पंजाब सरकार द्वारा सख्त हिदायतें जारी की गई हैं कि 31 जून से पहले पहले लोग सरकारी शामलाट जमीन छोड़ दें, नहीं तो सरकार की ओर से ये जमीनें छुड़वाई जाएंगी। गांवों में हजारों एकड़ शामलाट जमीन लोगों द्वारा दबाई गई हैं। अगर नाभा ब्लॉक के गांव थूही पत्ती के किसान वरियाम सिंह की बात की जाए तो किसान द्वारा राज्य भर में पहलकदमी करते हुए अपनी जमीन में से शामलाट की 6 बिस्वे जमीन छोड़कर सरकार के सुपुर्द कर दी गई है। वरियाम सिंह ने कहा कि ये जमीन उन्होंने काफी समय तक खेती के लिए इस्तेमाल की है और जून माह में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उसका पूरी तरह से पालन करते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है ताकि गांव का विकास हो सके। किसान के इस प्रयास को देखते हुए जहां सारा गांव हैरान है तो वहीं नाभा के SDM की ओर से इस किसान की तारीफ की गई। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। जी सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करदा साडे चीफ मिनिस्टर सरदार भगवंत सिंह मान जी का, जिन्होंने पहलकदमी की है। जिन्हें भी नजायज कब्जे ने उन्होंने मतलब 31 मई तक कहा भी आप मुहारे छड़ो। मैं लगभग साल पहला ये जमीन छड़नी चाहुंदा सी शामलाइट, क्योंकि मैनू शक सी, मैं आपदी मिहनती की लगभग 4-5 बिस्वे तो जिहड़ा कि शामलाइट का मेरे विच रलिया सी बजुर्गों वेले का। देखो मैनू तो बजुर्गों तो मिली है विरासत दे विच, ते मैं एक एप्लीकेशन दित्ती थी 27/5/2022 नू भी जिन्ने भी नजायज कब्जे ने वो छड़वाए जाण BDPO दफ्तर ते पंचायत दे भी ध्यान च लियांदा सी। ये मामला लगभग साल समा बीत गया, जो कोई सुनवाई नहीं तो फिर मैं
अपनी खुशी ना छड़ रहे हैं जी। किन्नी जमीन छड़ रहे हो तुसी? ए जी लगभग 5-6 बिस्से थों है जी। पिंड च किन्नी पंचायती शामिल आ जी? देखो जी बिस्सा हैगा पंचायत दा, इस संबंध च पंचायत ही दस सकदी है। काफ़ी होनी देखो जी इस बिस्से ते पंचायत ही दस सकदी है भी किन्नी आ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛਡਾਊਗੀ ਉਦੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਈਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਵਧੂਗੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੀ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਆਵਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਈਵਨ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਭਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ। भू माफिया ने पहले तहसील में जाली रजिस्ट्री करवाई, फिर पुलिस की मिली भगत के साथ धमकी दी। आरोपियों के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद उल्टा पुलिस पीड़ितों को ही कब्जा छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है खरड़ में, जहां रॉयल एनक्लेव नामक एक सोसाइटी में स्थित प्लॉट के मालिक ने दो रियल एस्टेट फर्म कंपनियों पर उसके प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री करवाने के आरोप लगाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मोहाली निवासी यशपाल कुमार ने एसएसपी मोहाली को शिकायत दी है कि वे किसी काम के लिए खरड़ तहसील में गया था, जहां पर उसने देखा कि दो रजिस्ट्रियां होने जा रही थी, जिसमें उसके प्लाट नंबर 31, 32 और 33, 34 शामिल हैं। जिसके बाद उसने तुरंत इस बारे में सब रजिस्ट्रार अमरजीत सिंह को बताया और उन्हें अपनी जमीन की रजिस्ट्री दिखाई और फर्जी रजिस्ट्री को रोकने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके पीसीआर कर्मचारियों को बुलाया, लेकिन उनके आने से पहले ही रजिस्ट्री करवाने आए लोग फरार हो गए, जिसके बाद इसकी शिकायत खरड़ थाने में दी गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसके बाद से उसे जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं और उसे जमीन में से कब्जा छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है, इसलिए पीड़ित ने उच्च पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। कुराली से हलचल के लिए अश्विनी गौड़ की रिपोर्ट। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਥਰੂ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 630 ਗਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ 630 ਗਜ਼, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 630 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਅੱਗੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਹੀ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ। ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿਆ ਜੰਦਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਲੋਨੀ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚੀ। ਜਦਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਜੋ ਮਕਾ ਉਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ 27-28-29-30 ਅਤੇ 3 ਪਲਾਟ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ 48-49-50 ਅਤੇ 61 ਨੰਬਰ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ 31-32-33 ਜੋ ਹੁਣ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੋ 26-27-28-29 ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗੀ? 28-28-30 ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ 30-31-32-33 ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗੀ? 30-31-32-33 ਲਕਸ਼ਮੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਿੰਦੇ ਇੰਦਰਾ ਇਤਮਾਰ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਦੋਵੇਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਾ ਧਿਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਲਕਸ਼ਮੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ। ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵੇਚਦੇ ਮੈਂ।
कुमार मेरे रॉयल इनक्लेव छज्जी वगैरह विखे सत्त प्लाट सी इको लाइन च इकत्ती तो लैके सैंती नंबर तक। मैं 9 तरीक नूं अपने काम गया तहसील च ते उत्थे इंद्र राज धमान ते गुलशन कुमार आए हुए जी। मैनूं देख के भज गए ते मैनूं थोड़ा शक होया कि कोई जे वेख के भज्जे ने ते कोई डाउटफुल केस लगता है। तो मैं अंदर रजिस्ट्री कलर तो गया, मैं उन्होंने कहा मैंने अज्ञा अपॉइंटमेंट चैक कराओ। जब उन्होंने अपॉइंटमेंट चैक कराइया तो दो रजिस्ट्रियाँ शुभ लक्ष्मी होम शुभ लक्ष्मी रियल स्टेट से लक्ष्मी रियल स्टेट वालों दो रजिस्ट्रियाँ थी। तो मैं अंदर चैक कर गया तहसीलदार के कमरे से, कहते हमने हो के बाहर गई रजिस्ट्रियाँ। जो मैं बाहर आया नंबरदार का साइन हो के अंदर आ गया, तो मैं उसे चैक किया तो उसके दो 34 मिले। मैं रजिस्ट्रियाँ लैके तहसीलदार को चला गया सब रजिस्ट्रार, तो उन्होंने मैं चैक कराइया। मैं क्या प्लाट मेरे है जी, इन्होंने जल्द ही रजिस्ट्रियाँ कराती ने। तो वो 5-7 मिनट बाद मैं आपकी गड्डी चो एक रजिस्ट्री की कापी कढ लिया, तो एक मैं वट्सएप पर मंगा ली। मैं तहसीलदार साहब को चैक कराती, मैं कहा जनाब देखो मेरी तो पुरानी रजिस्ट्रियाँ हुई हुई है। उन्हें चैक कितिया तो कहते रजिस्ट्रियाँ मैं अपने को रख लैंना, तो मैं इनके कार्रवाई कराँगा। मैं ठीक है जी। उत ही मैं 100 नंबर पर फोन करता तो पी सी आर आ गई, तो खरीदार उत्थे जोड़े है वो मिल गए। तो पी सी आर वाले उन्होंने उत्थे लै गए थाने। तो मैं लिखित कंप्लेट भी एस एच ओ साहब को देती, तो उस बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैं एस एस पी साहब से 16 तरीक में दी। जो जशपाल जी वालों कंप्लेट है वो मेरे को एस एस पी साहब वालों मार्क होकर कल आई है, कल शाम में मैंने रिसीव हुई है। तो ये अज असी दोनों पार्टियां दो दिन बाद टाइम देता, दोनों पार्टियां की सुनवाई करा जो भी मुताबिक कार्रवाई बंद की। धूरी मार्केट कमेटी के नए बने चेयरमैन राजवंश सिंह घुल्ली का आरती एसोसिएशन की तरफ से सम्मान किया गया। इस मौके पर मार्केट कमेटी के नए बने चेयरमैन ने मार्केट कमेटी के अंतर्गत आती धूरी अनाज मंडी में कच्चे फड़ों को पक्का करने का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसका फैसला मार्केट कमेटी के पक्ष में आया है, जिसके बाद कच्चे फड़ों को पक्का किया जा रहा है। धूरी से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। जिन्होंने मैंने धूरी मार्केट कमेटी का चेयरमैन बना के मान सत्कार दिता, तो दूजा जो इस मंडी के प्रधान जी थे उन्होंने समुचे भाईचारे ने अज सन्मान दिता, मैं उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करना। तो नाल ही यकीन दवाना कि मैं तनदेही तो इमानदारी काम करूँगा। जिन्हें भी काम मंडी के अधूरे पे ने पूरी मंडिया जिन्या भी धूरी हल्के दंडिया ने कोई भी उन्हें मुश्किल नहीं रहन देवे। इस धूरी हल्के पांच मंडिया पहला मानयोग साढ़े मुख्यमंत्री ने डिजिटल अनाउंसिया ने जिन्होंने अनाउंस कितिया जिन्हें हर सहूलत होगी, और इतने भी जो भी किसी की कोई मंडी की दिक्कत है असी उन्हें पहल के आधार से हल करा। दूसरा मैं पहली बार देखा कि पंजाब सरकार जी आम आदमी पार्टी सरकार बनी है जिन्हें भी चेयरमैन बनाए ने उन्होंने पता भी नहीं उदों ही पता लगता जो लिस्ट ना आता। इस तो पहला जिन्या भी सरकार वो मार्केट कमेटी का जो चेयरमैन होंदिया किसी तो 35 लाख किसी तो 40 लाख या 50 लाख रुपया लैके वह चेयरमैन लाते। सो असी धन्यवाद करते हैं आम आदमी पार्टी सरकार का कि जिन्होंने इमानदारी जिन्हें भी पंजाब के चेयरमैन लगे ने उन्होंने बिना पैसा लाए एक पैसा भी नहीं किसी तो लिया चेयरमैन लाए ने। सो मैं दोबारा फिर साढ़े समुचे भाईचारे आड़ती भाईचारे का धन्यवाद करना। अज पहला समुचा जोड़ा आड़ती भाईचारा उन्होंने धन्यवाद करते हैं जिन्होंने साढ़े मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजवंत घोली का सन्मान किया, और अज जिहड़ा इन्हां दी लंबे समय तो डिमांड सी कच्चे जिहड़े फड़ ने इन्हां नूं पक्के करन दी, उह पंजाब सरकार ने जिहड़ी ग्रांट भेजी आ उहदा उद्घाटन चेयरमैन साहब ने करिया, उहदा कम्म दी शुरुआत करी आ। और आउण वाले दिनां दे विच जिन्नियां भी मंडी दीआं मुश्किलां ने उह सीएम साहब दे ध्यान च लिया के चेयरमैन साहब दे थ्रू उह उहनां नूं हल कीता जाऊ, और कोई भी किसानां नूं जां आड़तीआं नूं कोई समस्या नहीं आउणी जाऊ। माँ बंगला मुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बंगला मुखी जी के निमित्त मंत्र माला जाप कर मुख्य यजमान समीर कपूर से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मानव जीवन अति दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से यह मानव जीवन मिला है। मानव शरीर ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अपनी सोई हुई आत्मा को जगाओ, आत्मा पर कर्मों का आवरण आया है, अपनी आत्मा का कल्याण करो।
उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ज्ञान दिया है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। पाप कर्म से दुख और पुण्य कर्म से सुख की प्राप्ति होती है। नवजीत भारद्वाज ने कहा कि पाप कर्म मत करो, यह जीवात्मा कर्म तो कर लेती है लेकिन जब भोगने का समय आता है तब रोते हुए पश्चाताप करते हैं। घड़ी की चाबी को ऐंठने में 2 से 4 मिनट का समय लगता है लेकिन उस बेचारी को 24 घंटे से अधिक समय तक टिक टिक करना पड़ता है। उसी तरह हम कर्म तो कुछ मिनटों में कर लेते हैं लेकिन उसका भुगतान ना जाने कब कहां जाकर भुगना पड़ेगा। अकेले ही कर्म किए हैं, उनका भुगतान भी अकेले ही करना होगा। कर्म करते समय सोच कर करने चाहिए। कोई भी कर्म छोटा बड़ा नहीं होता। जहर यदि छिपकर पिया जाए तो उसका भी असर तो रहेगा। इसी प्रकार कर्म को यदि किसी के सामने ना करो तो भी उसका नतीजा हमारे सामने जरूर आएगा। कोई भी कार्य करो, विवेकपूर्ण करो। विवेक से काम करोगे तो कर्मों का बंधन नहीं होगा और हमारी आत्मा का कल्याण जरूर होगा। इस अवसर पर अमरेंद्र कुमार शर्मा, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, नीरज कपूर, संजीव सौंधी, बलजिंदर सिंह, रविंद्र बांसल, प्रिंस कुंडल, रोहित भाटिया, बलवंत बाला, मुनीश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, मोहित अशोक शर्मा, दिशांत शर्मा, बाबा खन्ना, लवली, गोपाल मालपानी, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, अमरेंद्र सिंह, गौरव जोशी, संजीव सावरिया, यज्ञदत्त, रॉकी, बाबा जोशी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, संजीव शर्मा, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, अशोक शर्मा, प्रदीप, अभिलक्ष चुग, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, लक्की, बाबा खन्ना, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सतगुरु कबीर जी महाराज के प्रकाश पर्व को समर्पित 15वीं प्रभात फेरी सतगुरु कबीर मुख्य मंदिर भार्गव नगर जालंधर से निकाली गई। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए दीपा रानी के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर पारिवारिक सदस्यों में दीपू, सागर, शिवानी, कांता देवी, ईशु, रमेश कुमार, रिया, नीलम, सिया ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया। इस दौरान भक्तों ने सतगुरु कबीर जी की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की बोलिए सतगुरु कबीर महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। सारे ही नगर निवासियों को बेनती है कि सतगुरु कबीर महाराज जी का जो प्रकाश उत्सव 4 जून को बहुत ही श्रद्धापूर्वक सारे ही नगर विच मनाया जा रहा है, सारे जलंधर, सारे पंजाब विच मनाया जा रहा है। सारे नु बेनती है कि उस जो सतगुरु कबीर महाराज जी का प्रकाश उत्सव 4 जून को आ रहा, उसके संबंध में 3 जून की एक विशाल शोभा यात्रा जो जलंधर के भार्गव कैंप चो मुख्य मंदिर शुरू की जाएगी और सारे ही शहर का
परिक्रमा करते हुए मुख मंदिर विच समाप्ति की जाएगी। सारी संगतां नूं बेनती है कि इस शोभा यात्रा विच वध चढ़ के भाग लो, गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करो, कि बाहरों आईआं संगतां दा जलपान ला के जो तुसी सारिआं ने स्वागत करना है, जिहड़े बाहरों साडीआं शिखतां आणगीआं जिदा MLA वगैरह जिदा कौंसल जिन्ने भी साडे सारे महल्ले नूं बेनती है कि इस शोभा यात्रा दी वध चढ़ के रौनक नूं वधाओ। एक बहुत ही जरूरी सूचना है कि अपने घर के लड़ियाँ मोमबत्तियाँ लगा के जिदा असी दिवाली मनाने इस तरह ही अपने गुरु घर का जो प्रकाश उत्सव है उसनों लड़ियाँ के नाल सजा के सारी संगत इसका लाभ उठाओ और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करो। और इस तरह ही मैं जैनिक सवेरा का बहुत ही धन्यवाद आ जिन्ह ने साड़ियाँ बहुत अच्छी कवरिंग कर रहे हैं, प्रभात फेरियाँ इस तरह ही शोभा यात्रा में अपना योगदान देंगे ने। इस जागरण सवेरा दे जैनिक सवेरा दे शीतल बीर जी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। जय कबीर तनक। जालंधर में दो दिन पहले रात 10 बजे के करीब हुए सूर्य इनक्लेव में हुए हादसे संबंधी जालंधर के रामा मंडी थाने के SHO नवदीप सिंह ने बताया कि ये झगड़ा रास्ता लेने की वजह से हुआ था, जिसमें दो शख्स ओपन जीप शिवम और राहुल सूर्य इनक्लेव की ओर से गुरु गोविंद सिंह एवेन्यू की तरफ मुड़ने लगे तो सामने से दो मोटरसाइकिल सवार आ गए, जिससे इन दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि राहुल जब जीप में पड़ी दातर को उठाकर मोटरसाइकिल सवार पर वार करने लगा कि मोटरसाइकिल सवारों में से एक ने वही दातर छीनकर शिवम पर वार कर दिया, जिससे शिवम का हाथ कट गया। फिलहाल पुलिस ने 307 के साथ साथ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवम और मोटरसाइकिल सवार एक शख्स अलग अलग निजी अस्पतालों में उपचाराधीन है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जो सानू इन्फॉर्मेशन गए सी मौके दे उत्ते पहुंचे सीगे ते क्योंकि ये इंजर्ड जिहड़े सीगे किथे किथे सीगे इहदे बारे सानू नहीं पता लग सकिया। नैक्सट डे सानू पता लग्या तां असीं इन्हां नूं चीज़ां नूं परस्यू करना शुरू किया। फिर वो राहुल तो एक जो फ्रेंड है शिवम, ये दोवें जने एक जी महिंद्रा की जीप है जी ओपन जीप है वो रात में जा रहे थे कोई 10 बजे के आसपास। तो उतों जो ये विद्याता मंदिर के कोलों इन्होंने टर्न लिया तो दूसरी साइड तो कोई मोटरसाइकिल तो आ रहे थे। जो मोटरसाइकिल तो आ रहे थे मुंडे उन्होंने एक दिना गौरव है तो दूसरे दिना है आशीष, ये दोवें मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। तो जो इन्होंने उतों जाके निकलने की कोशिश की मौके तो क्योंकि रस्ता जोड़ा है क्योंकि एक सड़क की एक साइड जी बंद है उस रॉन्ग साइड तो आ रहे थे। फिर दोवों का आपस जो उ जो रस्ता ब्लॉक हो गया जीप ने ब्लॉक करता तो उधरों मोटरसाइकिल लंघना से एक दूजे को गाली गलोज कर लग पे। तो इस तरीके ने इन्हें जी उ लड़ाई जी स्टार्ट हो गई। पहला लड़ाई हथा घसुनमुखी स्टार्ट हुई, यही चला पाया गौरव चला पाया गड्डी को तो जो शिवम साइड से बैठा से हाँ राहुल चला रहा है मोटरसाइकिल जो गौरव चला रहा है। राहुल तो गौरव की जो लड़ाई इन्हों की स्टार्ट हुई तो इन्होंने कोई डंडे का इस्तेमाल भी किया जो गड्डी के पिछे ही पिया से उस तो बाद फिर जो एक खंडा से जो उत्थे मौके के उत्ते पिया फिर जो शिवम भी गड्डी तो थले आ गए इन्होंने आपस के जी इन खंडे के वार करने शुरू कर दिए। तो जो गौरव के सट लग गई तो उस तो बाद उ खंडा जोड़ा वो ये को शीश वो जो आ गया तो उन्हें शीश ने जाके फिर जो वार किए उ तो वो जो हाथ जोड़ा कटिया गया है। तो हाँ हूँ असी जोड़ा गौरव है ये जौल हॉस्पिटल एडमिट ये भी सट्टा लगी है। तो जोड़ा दूसरा हैगा शिवम वो NHS हॉस्पिटल एडमिट है वो अंडर ट्रीटमेंट है। तो असी आश्रम जो रैसट कर लिया तो इस अलावा जी इन्वैसटिगेशन चल रही है। तो ये एक रोड रेज का केस है ये पुरानी कोई रंजिशबाजी इन्हों की आपस नहीं हैगी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। थाना मुनक के क्षेत्र में पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया काबू। संगरूर में बॉक्सर अमनदीप सिंह पर सुबह ग्राउंड जाते समय हुआ हमला, गंभीर अवस्था में अस्पताल में करवाया भर्ती। जालंधर देहात की क्राइम ब्रांच की टीम ने वाहन चोरी करने वाले एक आरोपी को किया काबू, 6 मोटरसाइकिल और 1 एक्टिवा की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।